डिटेल में हम आपको स्टोरी बताते हैं किस तरीके से 5 मई को केजरीवाल का कार्यक्रम कवर करने के लिए हमारी जो रिपोर्टर है भावना वो लुधियाना पहुंची। रिपोर्टर भावना किशोर सहित मृत्युंजय परमिंदर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। महिला को चोट पहुंचाने का आरोप लगाकर गिरफ्तारी की जाती है। भावना को कई घंटे थाने में बिठाया जाता है, फर्जी धाराएं लगाई जाती हैं। आधी रात को मैजिस्ट्रेट के सामने पेशी करवाई गई। 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी भेजने की तैयारी पूरी कर ली गई थी। किस तरीके से 6 मई की बात करें, हाईकोर्ट ने भावना को अंतरिम बेल दे दी। 7 मई भावना किशोर लुधियाना जेल से बाहर आती हैं। 8 मई को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में रेगुलर जमानत पर सुनवाई होती है। जस्टिस सिब्बल ने केस से खुद को अलग कर लिया। 2.5-3 घंटे तक सुनवाई चली, जिसके बाद जस्टिस सिब्बल ने खुद को केस से अलग कर लिया। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को केस की फाइल भेज दी गई। जो ऑब्जर्वेशन आया वो भी हम आपको बता रहे हैं। 9 मई यानी आज के दिन जस्टिस ऑगस्टन मसीह की पीठ आज सुनवाई करेगी। रेगुलर जमानत और एफआईआर रद्द करने की अर्जी जो है लगाई गई है, यानी एक तो पहले आप रेगुलर जमानत दे दें और एफआईआर रद्द करने की अर्जी भी साथ साथ जो है लगाई गई है। तो आज इस मामले में जो है वो सुनवाई होनी है। हमारे सहयोगी राकेश पांडे इस वक्त पंजाब हरियाणा कोर्ट से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवानी शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई है पंजाब हरियाणा कोर्ट से। अमित गौतम भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हैं, सीएम आवास के बाहर से हैं। और विनोद भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। रुक करेंगे सभी का, लेकिन सबसे पहले राकेश पांडे आपके पास आते हुए, कल जिस तरीके से सुनवाई हुई राकेश आप वहीं पर मौजूद थे, गौरव से आपने बातचीत भी की, जिस तरीके से जस्टिस दीपक ने अपने आप को केस से अलग किया, कल का दिन अहम था। जो ऑब्जर्वेशन है वो काफी अहम है और आज का दिन भी खास हो जाता है। आधी जंग तो हमने जीत ली थी लेकिन पूरी जंग हम ही जीतेंगे, ये कॉन्फिडेंट है हमारे में। बिल्कुल, देखिए कानून में अदालत के अंदर एक अलग तरीके की लड़ाई चलती है और इसीलिए कल करीब करीब 4 घंटे तक बहस चली थी और काफी गर्मा गर्म बहस चली थी। कई बार दोनों लॉयर्स के बीच में तीखी नोकझोंक भी हुई थी। और जो आप थोड़ी देर पहले 3 ऑब्जर्वेशन का जिक्र कर रही थी, मुझे लगता है कि आज भी सुनवाई होगी जस्टिस ऑगस्टिन मसीह की बेंच में। और पहला ही नंबर केस का अपना है, यानी जैसे ही अदालत लगेगी, जैसे ही कोर्ट खुलेगा, वैसे ही हमारे केस की सबसे पहले सुनवाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि पहले नंबर पर लिस्टेड है, मेंशन है आज की डेट में हमारा केस, भावना का केस, हमारे कैमरामैन मृत्युंजय का केस, हमारे ड्राइवर परमिंदर का केस। और जो 3 बड़े ऑब्जर्वेशन है, मुझे लगता है कि आज उनकी चर्चा विशेष तौर पर होने वाली है। एक तो चर्चा ये होगी कि भावना पर जो कल इस तरीके से ऑब्जर्वेशन आया था कि SC ST Act के अलावा तो कोई वैसे भी धारा नहीं बनती, चूंकि वो भी आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उसमें भी जज इस बात पर सहमत दिखाई दे रहे थे कि कोई रिपोर्टर अगर यूपी से आता है तो वो कैसे किसी को पहचानेगा कि लुधियाना में उस शख्स की जाति या धर्म कैसे है, इसलिए उसमें भी झोल था। 8C का जिक्र हुआ था SC ST Act का, ये भी बड़ा एक ऑब्जर्वेशन था कि कैमरामैन पर तो कोई धारा नहीं बनती, तो साहब उसे आपने रखा क्यों है। तीसरी जो बड़ी बात है कि ड्राइवर पर अगर किसी एक मसले पर बातचीत हो सकती है तो क्या उसने रैश ड्राइविंग की है, नहीं की है, ये एक मामला उस पर फिर भी बन सकता है, लेकिन वो भी देखना होगा कि उसके पक्ष में क्या दलीलें हैं या फिर विरोध में क्या दलीलें हैं। तो ये बहुत हद तक ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा क्लियर थे, लेकिन आखिरी समय पर काफी तीखी नोकझोंक। और उसके बाद आप देखिए जस्टिस दीपक सिब्बल ने अपने आप को इस सुनवाई से अलग किया, चीफ जस्टिस के पास ये मामला भेज दिया। उन्होंने कहा कि मैं आपको अपने आप को इस सुनवाई से अलग करता हूं और अब आज सुबह जैसे ही अदालत लगेगी जस्टिस ऑगस्टिन मसीह की बेंच अदालत में बिल्कुल इस मसले को लिया जाएगा। आज नई बेंच में सुनवाई होनी है। शिवानी शर्मा हमारी सहयोगी हमारे साथ बनी हुई है। शिवानी, कितने बजे सुनवाई शुरू हो जाएगी? देखिए 10 बजे से ये सुनवाई शुरू होगी क्योंकि पहला ही केस लिस्टेड है और इसे अर्जेंट हियरिंग बेसिस पे लिस्ट किया गया है, इसलिए 10 बजे जैसे ही अदालत शुरू होती है और जस्टिस मसीह यहां पर आएंगे तो दोनों ही तरफ के लॉयर्स यहां पर मौजूद होंगे। कल आपको पता होगा कि एडवोकेट जनरल आए थे पंजाब की सरकार की तरफ से अपनी दलीलें देने, हालांकि इस तरह के केसेस में इतने बड़े वकील कम ही आते हैं, लेकिन आप देखिए कि द्वेष और दुर्भावनापूर्ण ढंग से जो FIR दर्ज की गई हमारे सहयोगियों के ऊपर, भावना, मृत्युंजय और परमिंदर के ऊपर, किस तरह से धाराएं लगाई गई उस पर एक बहुत ही बड़े विस्तृत ढंग से डिस्कशन हुआ था कल, जब दीपक सिब्बल एडवोकेट जो थे वो माफ कीजिएगा जज जो थे वो यहां पर सुनवाई कर रहे थे। उन्होंने ये सब ऑब्जर्वेशन दी जिनका आप भी जिक्र कर रही थी, राकेश भी बता रहे थे कि किस तरह से तीनों पर जो धाराएं लगाई हैं उसमें से ऐसा लगता है कि बहुत सी धाराएं निराधार हैं, उनका कोई आधार नहीं है। और आज जब जस्टिस ऑगस्टिन मसीह एक बार फिर इस पूरे केस की सुनवाई करेंगे तो इन सब ऑब्जर्वेशंस को भी ध्यान
में रखा जाएगा और उन सब बातों को भी ध्यान में रखा जाएगा जो हम बार बार कह रहे हैं, हम बार बार दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि कैसे एक प्लांटेड केस ये दिखाई देता है, क्योंकि हम एक खबर कर रहे थे ऑपरेशन शीर्ष पहल, तीन बड़े ऑब्जर्वेशन हैं जस्टिस दीपक सिब्बल के, वो बता रहे हैं कि किस तरीके से केस सामने आते ही जज को उनको भी समझ में आ रहा है कि ये फर्जी है, ये प्लांटेड है। अमित गौतम हमारे साथ है, मुख्यमंत्री आवास, दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास के बाहर से खड़े हैं। अमित, हम लगातार ये जंग लड़ रहे हैं और हम बता रहे हैं दर्शकों को कि किस तरीके से फर्जी मामले में हमारे रिपोर्टर, हमारे कैमरा पर्सन, हमारे ड्राइवर को फंसाया जा रहा है। ऑब्जर्वेशन भी जो कल जस्टिस के सामने आए दीपक सिब्बल ने दिए, वो भी दर्शकों के सामने है। आज सुनवाई शुरू होगी और हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि फर्जी मामला है, हम जीतेंगे, भावना जीतेगी, लेकिन क्या सवालों के जवाब तब अरविंद केजरीवाल दे पाएंगे? शीश महल के सवालों के जवाब से तो बच रहे हैं, अगर हम केस जीत जाते हैं उसके बाद भी क्या मुंह छिपाते दिखेंगे अरविंद केजरीवाल? जी बिल्कुल, जीत की उम्मीद करें तो देखिए, भारत देश है वो संविधान कानून से चलता है और सभी देशवासियों को न्यायपालिका पर पूरा भरोसा होता है। तभी कहते हैं किसी दो पक्ष में कुछ बात होती है तो वो लगातार कहते हैं कि आप गलत कर रहे हो तो हम आपको कोर्ट में देखेंगे, और यही इसी तरीके केस में हुआ है। भावना जिस तरीके से फर्जी केस में फंसाने की कोशिश करी, लेकिन न्यायपालिका ने जिस तरीके से बहस चली है कोर्ट के अंदर, वहां साफ संकेत था पंजाब सरकार को या अरविंद केजरीवाल से कहें कि उन्होंने, कोर्ट ने भी, जज ने भी, जो दीपक सिब्बल, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जब एक व्यक्ति जब दिल्ली से आके पंजाब आ रहा हो, अननोन महन, कोई जानता नहीं है, तो वो जाति सूचक वक्त शब्द एससी एसटी एक्ट कैसे लग सकता है। तो इस तरीके के कई चीजें थी और बताया था कि मृत्युंजय जो हमारे कैमरामैन है उन पर भी कोई आधार नहीं बनता है किसी चीज की धाराओं का। साथ ही कहा कि एससी एसटी एक्ट पर भी विचार दिएगा, ऑब्जर्वेशन हालांकि दिया था, लेकिन जिस तरीके से जीत है, जीत तो हमारी होगी क्योंकि हम अपनी जगह ठीक है और सही सच दिखा रहे थे, लेकिन झूठा आरोप जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने पंजाब सरकार ने फंसाया था उस पर पूरा भरोसा की जीत हमारी होगी। लेकिन बात रही चुप्पी की, बात करता हूं, हम शीश महल लगातार कैंसानो भारत जब से सवाल पूछ रहे थे और ये मामला जब कोर्ट में चल रहा है, जब झूठा फर्जी केस लगाकर हमारे रिपोर्टर को किस तरीके से गिरफ्तार किया गया, हमारे कैमरा पर्सन, हमारे ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया, जब ये मामला कोर्ट में है तब भी हम सच दिखा रहे हैं और हम सवाल पूछते रहेंगे। जैसे ही सुनवाई शुरू होगी हम आप लोगों के पास लौटेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।